ईद एक ऐसा त्यौहार जिसका मुस्लिम बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं और पूरे एक महीने रोजे रखकर ईद मनाते हैं। इसके लिए ये लोग पहले से खरीदारी में जुट जाते हैं, जिसकी वजह से बाजारों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। ईद पर पहले लोग नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इतना ही नहीं, फिर घर पर सेवैयां बनाते हैं और सभी को खिलाते हैं। बस इसी तरह ईद का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईद क्यों मनाई जाती है और इसकी क्या वजह है? तो आपको बता दें कि इसकी वजह 1300 साल पहले हुई एक जंग से जुड़ी हुई है। चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि ईद उल फित्र ये त्यौहार सबके साथ खुशियां मनाने का पैगाम देता है। इस दिन अमीर गरीब का फासला रखे बिना सभी मुसलमान एक साथ नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। ईद उल फित्र में फित्र का मतलब बताएं तो ये होता है मोहब्बत का त्यौहार। इस्लाम में फित्र यानी चैरिटी देना ईद का सबसे एक अहम पहलू है। इस दिन नमाज से पहले सभी मुसलमान गरीबों को फित्र देना जरूरी समझते हैं, जिसे वह अपनी ईद मना सके और खुशियों में शामिल हो सके। इसके लिए आपको बता दें कि हिजरी कैलेंडर यानी इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ईद उल फित्र रमजान के बाद आने वाले 10वें महीने यानी शव्वाल के पहले दिन मनाई जाती है, जो कि 11 अप्रैल को है। इस त्यौहार को पहली बार 2 हिजरी यानी 624 ईस्वी में मनाया गया था। कहा जाता है कि इस उत्सव की शुरुआत मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में हुई थी। उस वक्त पैगंबर हजरत मोहम्मद की बद्र की लड़ाई में जीत हुई। इस्लामी इतिहास पर नजर डालें तो इसी महीने में मुसलमानों ने पहला युद्ध लड़ा था, जो सऊदी अरब के मदीना प्रांत के बद्र शहर में हुआ। इसलिए इस जंग को जंग ए बद्री भी कहा जाता है। इस जंग में उनकी जीत हुई थी और फिर सबका खुशी में मुंह मीठा करवाया था। तभी से इस दिन सभी को मीठी ईद या ईद उल फित्र के रूप में इसको मनाया जाता है। बद्र की लड़ाई इस्लाम की पहली जंग बताई जाती है। अब आपको बता दें ईद मनाने की दूसरी वजह, वो है रमजान के पूरे महीने में रखे जाने वाले रोजे। एक महीने तक रोजा रखने और अल्लाह की इबादत पूरी होने की खुशी में ईद मनाई जाती है। कुरान के मुताबिक ईद को अल्लाह की ओर से मिलने वाला इनाम का दिन कहा जाता है। दुनिया भर के मुस्लिम प्रमुख रूप से 2 ही त्यौहार मनाते हैं, पहला त्यौहार ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। जिसमें आपको फर्क बताएं तो ईद उल फित्र यानी मीठी ईद, जो कि रमजान के बाद मनाई जाती है, जबकि ईद उल अजहा जो कि कुर्बानी से जुड़ी है, जिसे बकरी ईद भी कहते हैं, जो मीठी ईद के करीब 2 महीने बाद मनाई जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया।